अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राशिद अपडेट्स। आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा और बजट का हजम 13,800 अरब रुपये से ज्यादा होगा। वफाकी वज़ीरे ख़ज़ाना इसहाक़ डार आज आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक बजट का हजम 13,800 अरब रुपये से ज्यादा होगा। बजट में 7,300 अरब रुपये कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। आइंदा बजट में टैक्स आमदन 9,200 अरब रुपये हो सकती है, जबकि नॉन टैक्स आमदन 2,800 अरब रुपये हो सकती है। बजट में 1,300 अरब रुपये सब्सिडी के लिए मुख्तस हो सकते हैं। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1,150 अरब रुपये होगा। ज़राए के मुताबिक आमदा बजट में सूबों को कौमी महासिल से 5,244 अरब रुपये मिलने का तखमीना है, जबकि वफाक का बजट खसारा 6,000 अरब रुपये से जायद होगा। आइंदा बजट में दफा के लिए 1,800 अरब रुपये से जायद खर्च होने का तखमीना है। आइंदा बजट में राकिन पार्लियामेंट को 90 अरब रुपये तरक्याती स्कीमों के लिए मिलेंगे और वज़ीर-ए-आज़म की स्कीमों के लिए 80 अरब रुपये मुख्तस किए जाने की तवक्को है। ज़ाहिर दाते खजानों के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का खजाना GDP का 6.4% रह सकता है, जबकि वफाक और सूबों का बजट खसारा 4.8 से 5% तक रखने का तखमीना लगाया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 20 से 30% बढ़ने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में वज़ारतों के लिए 650 अरब रुपये से ज़ायद रखने की तजवीज़ दी गई है और पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान है। आइंदा बजट में पेंशन के लिए 700 रुपये से ज़ायद रखे जाने का इम्कान है।